भागी तो पकड़ नहीं सकी, तो चट देने थी मेरी तो घूंघट है, तो मैं गिरने को लगी तो जोर से मोर को अंगूठा दिखाई के भाग गया। कहा बचा कहा डांटे वहां को। एक सखी ने कहा मैया तोरो कन्हैया बहुत चतुर है। बोले चोरी करे, ऐसी चोरी करने की तो इसकी इच्छा नहीं है। तो कन्हैया ने फिर कहा, सब सखियां आए के बोलने लगी, मैया आप डांटो ये माखन की चोरी करे बाहर जाके। बोले मैया मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं माखन की चोरी नहीं करूं, मेरे को ये सखियां ही अपने घर में नूतो दे के बुलावे, मैं कहा जाऊं माको का करा मेरे घर। तो बोले मैया नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है ना, तेरे लाला तेरे संग ब्याह कौन करेगा, अगर तू माखन की चोरी नहीं छोड़ेगा तो का भगो। अरे माखन के चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन के चोरी छोड़ ओ लाला मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, ओ मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन के चोरे छो कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन के चोरे छो कन्हैया मैं समझाऊं तो। परपाने ते तेरी भई है सगाई नित नई चर जाओ, परपाने ते तेरी भई है सगाई नित नई चर जाओ, बड़े घरन के राज दुलारी नाए परेंगे तो, अरे माखन के चोरी छो कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन के चोरी छो कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे लाला तेरे पास 9 लाख धेनु है, 9 लाख धेनु पड़ी है यहाँ पे लागे जितनी माखन खाए, तू बाहर क्यों छोड़ जाके मखन। 9 लाख गौए नंद बाबा की नित नय माखन हो, क्यों जाए के खाए रहे हो। 9 लाख गौए नंद बाबा की नित नय माखन हो, समझ तो सरी। बड़ो नाम तेरो नंद बाबा को, बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को, हफी हमारे हो, अरे माखन के चोरी छो कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन के चोरी छो कन्हैया मैं समझाऊं। ब्रजवासी तेरी हंसी उड़ावे लाला, लाला सगरे ब्रजवासी हंसी उड़ावे के इतने बड़े लाला के और इतने बड़े नंद बाबा के, ऐसो लाला जाए जाए घर घर माखन चुड़ावे। ब्रजवासी तेरी हंसी उड़ावे घर घर चर्चा हो, हो। ब्रजवासी तेरी हंसी उड़ावे घर घर चर्चा हो, और लाला तनिक दही के कारण लाला, तनिक दही के कारण लाला लाज ना आवे तो, अरे माखन के चोरी छो कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन के चोरी छो कन्हैया मैं समझाऊं तो। लाला कहे मेरे से यह चोरी छूटे ना,
करना है लाला मैया मोको घर को माखन भावे ना ये चोरी ना छूटे मेरी मैया होनी होए तो हो ये चोरी नहीं छूटे मेरी मैया होनी होए सो हो पूर श्याम ग्वालन के आगे दिया कन्हैया रोए हो पूर श्याम ग्वालन के आगे दिया कन्हैया रोए अरे माखन के छोरी छो कन्हैया मैं समझाऊं तो अरे माखन की छोरी छो कन्हैया मैं समझाऊं तो मैया तो को नहीं पता ये सगरी की सगरी जितनी गोपियां सगरी झूठ बोल रही ले सब गोपियां का झूठ बोल तो कोई ने लाकर पकड़ के मेरे को दिखाया बता दे मैया को ने मेरे को पकड़ के लाए हो तो बता दे अब गोपियां के अच्छा अब ये मेरे तो एक कदम आगे निकल गया ठहर जा मैं तो को बताऊं दूसरे दिन एक प्रभावती नाम की गोपी हती गोपी सकरी जगह इतनी मटकी दूध की और छाछ की और मक्खन की सगरी रख दीनी और रख के कहे आज लाला को आएंगे अब कन्हैया को तो पता लग जाए यहाँ को आज बुलवो है आज इसने रख के रखी आज तो यहाँ के ले लेंगे बोले वहाँ ते कन्हैया ने कहा कफल्लम 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 सगरे सगरे इकट्ठा हो गए बोले लाला आज तू चोरी नहीं कर सकेगा बोले क्या बात है बोले आज वो उसका लड़का था वो बोले मेरी मैया यहीं पे है तो को पता है बोले हाँ आज मैंने देखी ना है यहाँ पे पनघट पे निकसी ना है बोले नहीं निकसी बोले नहीं बोले ऐसा कर तू बाहर है ना जोर से एक मटको पड़े वहां को फोड़ दे तो वो देखने के लिए निकसे ही अपन अंदर घुस जाएंगे जोर से बाहर को मटको पड़े वहां को फोड़ी वो प्रभावती नाम की जो गोपी हती वो बाहर निकसी बाहर निकले इतने में ये कफल्लम कफल्लम पूरी चौर्य मंडली अंदर और पूरे के पूरे मटके थे वो उसको उड़ावे बंदरों को दे सगरों को देवे वो उनके माखन लगाए दियो जब माखन लगाई प्रभावती तुरंत दरवाजा बंद करके हाथ में पकड़ लियो कन्हैया तूने कल कही थी कि कोई पकड़ के लाए के ले चल आज मैं तो ले जाऊं हाथ में पकड़ो कन्हैया को बोले चल और ले गई सीधी नंदालय की तरफ आगे ले कन्हैया ने कहा अब तो युक्ति लगानी पड़ेगी क्या करें तो वहां कोई जो छोरा तो वहां से संग संग चलो सगरे कह सगरी पोल खुल जाएगी क्या करें सगरी संग संग जाए रहे इतने में को घर को बड़ो बुजुर्ग दिख जाए तो गोपी तो घूंघट ले ले जो ही घूंघट लियो तो ही कहने की ऐसो कहा करे मैं देख तो सरी सकी मेरो नरम नरम कलैया मेरो हाथ दुखे ऐसो कर तू यो हाथ छोड़ के मेरो यो हाथ पकड़ ले अच्छा भाई सखी ने कही बहुत अच्छी बात है चलो अच्छा ही है ये हाथ छोड़ के ये हाथ पकड़ा दे और ये हाथ पकड़ाते समय वाके लालक वाको छोरा को हाथ पकड़ाए दिन और आप वहां से दुबक के अंदर जाके और घर में बैठ के और लाला की गोदी में बैठ के वहां लाला मैया मुको नींद आ रही है सो जा लाला तू सो जा थक के आयो बाहर तेले सो जा वहां को सुलाए और माखन वहां लगे और यहाँ से आए ओ मैया बाहर आओ नेक बाहर तो आ मैया के कहा भयो भाई तू इतनी इतनी सवारे सवारे कहा ले क्या आ रही बोले आओ जरा दो ने कही थी ना कि कोई पकड़ के लाए तो दिखाओ आओ मैं आज पकड़ के रंगे हाथों पकड़ के लेके आई हूँ आज ये देख ले लाला ने माखन की चोरी करी और वाके देख मुंह पे भी माखन लग रहे छो मैया और हंसी आई कहा कह रही है ने घूंघट उठा कहा कह रहे हैं आप अपने लाला को कहो बोले पहले ने घूंघट उठा ले तू जो ही घूंघट उठाए देखे बोले देख काउ को पकड़ के लेके आई है तू मेरे लाला को पकड़ के लाई है कि तेरे लाला को पकड़ के लाई है बोल नंद के लाला की फिर वहां से पीछे ते अंगूठा दिखावे ले सखी पकड़ ले मोको अब ये बात हंसी की नहीं है इसका आशय बता दे ये जो पकड़ने की और छोड़ने की विधि है यही लाला हमेशा हमारे संग संग के साथ ये जीवात्मा कितनी बार हमको ठाकुर पकड़ता है और कितनी बार छोड़ता है
जब हम ठाकुर को अपनी बुद्धि से, अभिमान से, अहंकार से पकड़ते हैं, तब लाला अंगूठा दिखा के निकल जाए, और जब प्रेम से कोई आके बुलाता है तब लाला उसके भीतर में आके उसको प्रेम का संवाद दे देता है। ये माखन की चोरी चोरी ना है, ये वही चोरी है जो कि हमारा मन रूपी मक्खन में लाला को बुलाने के लिए इच्छा करता है। तो लाला वहाँ यहाँ थे, आज से किसके मन में मक्खन की चोरी के लिए बुलाने की इच्छा करे तो आज बुलाते जाइयो, मन माखन आपको चुराने के लिए लाला आ जाएगा। अब आगे की कथा हम सुनाएं। कन्हैया, एक बार ग्वाल बालों ने आकर के यशोदा से शिकायत की, नहीं लाला मैया मैया तेरा नेक देख ले, तेरे लाला ने माठी खाई है। कृष्ण क्या, माँ मैया सगरे झूठ बोल रहे हैं, तेरे को जो जो शिकायत करने आए वो तू समझ ले सगरे झूठ बोल रहे हैं। ना हम भक्षित वानंब सर्वे मिथ्या विशंसना, माँ सगरे झूठ बोल रहे हैं। लाला ने बोले मैंने मिट्टी खाई ना है, बार बार कहे मिट्टी खाई है नहीं, क्यों नहीं मिट्टी खाई थी। लाला ने ब्रज रज पाई थी, जा ब्रज में सग जिस ब्रज के लिए ब्रह्मांड पति और सबको याचना करें, वह ब्रज की रज लाला ने भीतर ली थी। उन्होंने मिट्टी नहीं खाई, ब्रज रज खाई। यशोदा वल्लभाचार्य जी कहते हैं ज्ञान मार्ग में तो कृष्ण कुछ नहीं खाते, लेकिन प्रेम मार्ग में कृष्ण को जो देते हैं वो पाते हैं। और वैष्णव मार्ग के अनुसार लाला ने ब्रज रज ली थी, मट्टी नहीं खाई थी। यशोदा ने कहा देख सगरे के सगरे झूठ ना बोले, लाला आज तो पकड़ाया गया तो चुपचाप मुंह को खोल के बताए दे। लाला मैया मैंने नहीं खाई माटी। ओ तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला माटी, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैंने माटी नहीं खाई, मैंने माटी नहीं खाई, लाला बार बार मना किए जा रहे हैं, मैंने मैया माटी नहीं खाई। अच्छा मुंह खोल, जो ही लाला ने मुंह खोला तो विश्व रूप भगवान के दर्शन है। मोहन को मुखड़ा खुलवायो, मोहन को मुखड़ा खुलवायो, तीन लोकवा में दर्शायो, तीन लोकवा में दर्शायो, तब विश्वास यशोदाए आयो, तब विश्वास यशोदाए आयो, यत पूरण ब्रह्म पधाई, यशोदा सुन माई, यत पूरण ब्रह्म पधाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। जो ही लाला ने मुख खोला और विश्व रूप दर्शन हुआ, ऐसे करके बैठ गई और मैंने सोचा कि तो तीन लोग को ब्रह्मा है कि मेरा लाला है। लाला ने कहा लो मैं यहाँ लीला करने आया, और मैया को जो पतो लग गया कि मैं तीन लोग को ब्रह्मो योग माया थे कही, वापिस माया ला और मैया को सगरो बुला दे, नहीं तो जो वात्सल्य रस को मैं पीना चाहता हूँ वो वात्सल्य रस मैं नहीं पी सकूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, तुरंत माया से हट गया थी, जो ही बुलाए दियो बोले हाँ लाला तूने माटी नहीं खाई, विश्व रूप दर्शन भूल गया। ये क्या माटी खाई और इसका क्या अर्थ हुआ, क्यों लाला ने ब्रज रज ली। गोकुल में सगले ऋषि मुनि भक्त जन ने गायों का अवतार लेके, ऋषि रूपा ने गोपियों को अवतार लेके वहां आया था। लाला ने कहा कि मैं हम भक्त पराधीन हूँ, वो लोग मुझे चाहते हैं लेकिन मेरे को मेरा भी तो कोई कर्तव्य है। उन्होंने सब भक्तों की रज को अपने मुख में लेकर के पान किया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भैया इतनी लीला करते करते गोवर्धन लीला तक पहुंचना तो शक ही ना है, इसलिए इतना इतना बताते समय हम दूसरी लीला पे चले। कृष्ण कथा जो हो ना
गोपियों की तरह होए ना तो ही समझ सके भैया, ऐसे बैठ के आप लोग मेरे मुखड़ो देख के कछु कृष्ण लीला नहीं समझोगे। पहले अपने मन को गोपी भाव में लाओ, गोपी मतलब इंद्रियां कृष्ण के चरणानविंद पर जो छावर कर लो कि जो कर रहे हो वो मेरे लिए कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है आंख मिन ली प्राणायाम कर लिया और माला फेर ली राम 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 राम, ऐसे नहीं हो। ये तो व्यवहार जगत में, गार्हस्थ जगत में, गृहस्थ जगत में रहते हुए जो कृष्ण की लीला को समझ सके वो निरोध लीला है। बैठ के तपस्या करके निरोध नहीं होएगा। हमारी जैसे तो भाई प्राणायाम आवे ना है, ध्यान करनो आवे ना है। एक दिन आए गोपी हती, बैठ के गई, बोले का करें? तो ब्रह्मा जी आए के पूछने लगे, अरे नारद जी आके पूछने लगे, काऊ को ध्यान लगा रही यहाँ पे कृष्ण चर सब तरफ लोटे और तू ध्यान लगा रही? बोले मैं काऊ को ध्यान लगा, तू हट अपना काम कर नारद, यहाँ तब वीणा बजा तो जा। बोले पर बताए तो दे तू काऊ को ध्यान लगा रही? बोले मैं ध्यान नहीं लगा रही, मैं ब्रह्मा को ध्यान लगा रही। बोले का करोगे ब्रह्मा आई की? बोले ब्रह्मा को ध्यान यहाँ मारे लगाए रही हूँ, ये तेरो कृष्ण है ना, ये मेरे को सो बना दे, खा बना दे, पी बना दे, मैंने परसों के दिन रसोई बनाई और वा दिना मेरे यहाँ पे मेहमान आने वाले थे, मैंने सीरो बनाया, वा की जगह श्री कृष्ण माथे में आएगा और मैंने शक्कर की जगह नमक डाल दियो और देख ऐसे ये काम करे, मेरे सगरे के सगरे काम उठाए दे। तो मैं ब्रह्मा से कहूँ थोड़ी देर नेक में घर को काम करूँ, तब तक तो कृष्ण मेरे चिंतन में न आए या मारे मैं ब्रह्मा को। नंद के लाला की मन का निरोध करने के लिए कोई प्राणायाम चिंतन ध्यान की आवश्यकता नहीं है। मन का निरोध अगर कृष्ण के चिंतन में लय हो जाता है तो मन का निरोध स्वतः हो जाता है, क्योंकि फिर वो सब काम कृष्ण करता है, हमें नहीं करने की आवश्यकता है। और एक बात बताऊं, एक दिन गोपी क्या कर रही थी, घर का कचरा निकाल रही थी, घर का कचरा निकाल के, क्योंकि मन तो दे दिया सगरों को सगरों से, घर का कचरा निकाल के और फेंक रही थी और बोले श्री कृष्ण आय शरणम भव। बोले घर को कचरा निकाल के श्री कृष्ण आय नमः कर रही। नारद जी पहुंचे, बोले ये क्या कर रही तू, कचरे कचरो चढ़ा रही है कृष्ण के ऊपर, तो कुछ अकल है, क्या कर रही तू? बोले चुप कर। बोले कहा भयो, चुप कैसे करूं, तू क्या कर रही है, गलत काम कर रही है। बोले सगरों को सगरों, घर को सारो सामान, मन बुद्धि चित्त सगरों वाको देख दे, कचरों देने के लिए कोई और देव को ढूंढू का? बोल नंद के लाला की, जो कुछ मेरे सगरों उसको है, तो कचरों देखने के लिए कोई शिवजी को ढूंढू, कोई ब्रह्मा जी को ढूंढू, वो भी श्री कृष्ण है नमो नमः। ऐसी होती थी गोपियां, ऐसी गोपियों की लीला सुनते सुनते सुबह की शाम हो जाए तो गोपियों की अनेक अनेक लीलियां हैं, हमें आगे कथा को बढ़ाना हुआ है। ये घट को फोड़ करके, आकाश और ब्रह्मा को एक करके, जो चुनरी उठ खींचते थे, जो हाथ पकड़ते थे, इन सब में एक एक लीला में आशय भरा हुआ है और संतों के मुख से सुना हुआ है। मैं तो खुद आप ही की तरह हूँ, लेकिन जो संतों के मुख से सुना हुआ है जो, वो सब आप सबको बता देती हूँ। लेकिन बात सच्ची है कि हम भी यही चाहते हैं, हमारे मन का घड़ा, हमारा घट भी एक दिन कृष्णा के कांकरी से तोड़ दे, जिससे हमारे भी बाहर भीतर, जैसे घटा घट टूटने के बाद अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक हो जाता है, वैसे हमारा भी अगर मन का घड़ा टूट जाएगा तो हमारे अंदर का ब्रह्म और बाहर का मम कृष्ण एक हो जाएगा। देखो भैया कछु ना हो, यहाँ पे एक चीज पकड़ के ले जाओ। मैं भी कल से यही सोच रही हूँ कि ये लाला और कछु ना करे, मन को पकड़ लो। मन को पकड़ने से इधर तो इंद्रियां पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि इंद्रियां किसका कहना मानती है? मन का। मैं तो कितनी बार बोलती हूँ सखियों से, कितने सत्संग में, मारा नटराजा है ना, उसकी जगह ऐसे गाते हैं मारा मन राजा, क्योंकि हम सब किसकी सुनते हैं, नटराजा की सुनते हैं कि मन राजा की? मन राजा की सुनते हैं ना, कौन नहीं है ना नटराजा वाला गाय ले। मैं है इसको नटराजा, लेकिन मैं गाती हूँ हमारा मन राजा। मैं इसलिए गाती हूँ कि हमारा अभी कृष्ण नहीं हुआ है, जब तक तब तक मन राजा, मारा मन राजा थारे नचायो नाचू, मारा मन राजा अरे नचाए नाचू, ए मारा मन राजा अरे नचाए नाचू।
किसके घर में रहते हैं अपन? मन के। अपना कौन राजा है? मन। ये नटराजा है, ये तो पूर्ण आत्मसमर्पण का कथा है, लेकिन जो हमारे साथ बीत रही है वो क्या है? मारा मारा मन राजा हरे नचाए नाचो, मारा नटराजा। नाचते है ना, मन हुआ ऑफिस गए, मन हुआ बैठ गए, मन हुआ पिक्चर गए, मन का पिक्चर चल पिक्चर चल, मन का बैठ जा बैठ जा, मन का सो जा, और मन यहाँ तक कह देता है अरे किसी ने बुलाया जाना, अरे कह देना तबीयत ठीक नहीं है, ले मन इतने और भी बता देता, कह देना तबीयत ठीक नहीं है, और मन नहीं हो तो मन क्या कहता है? मन कह देता है अरे कह देना बहुत काम पड़ा था घर में। कितने कितने मन युक्ति बताता है, इतनी युक्ति तो कोई बताता भी नहीं है। सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखा, उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखा, उल्टो सुलटो सब उल्टा सुलटा मन अपने को कराता है, क्या कराता? बिल्कुल उल्टा सुलटा कराता है, मन की जो माने वह गए। उल्टो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखा, मारा मन तू सुन ले, थारी मन चाही मैं प्यारा, मैं क्यों टांग अड़ाऊं रे मां, थारी मन चाही मैं प्यारे, मैं क्यों टांग अड़ाऊं रे मां, मन चाही मैं प्यारे अपनी चाह मिला, ए मेरे नट राजा तेरे नचाए नाचो, ए मारा नट राजा तेरे नचाए नाचो। ये मन है, ये संसार में जो ये घड़ा है वो मन ही है, और इस घट को तोड़ने का तात्पर्य है अपने मन को उधर से खींच के प्रभु की ओर लगा देना। ये मन ही सारा अपना मन राजा है, उसी ने हमको झूठ बुलाया, उसी ने हमें चोरी सिखाई, उसी ने हमारे अभिमान लाया, उसी ने हमारे को, हम तो अच्छे भले ऊपर से आए थे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखदासी, हम तो ऊपर से सीधे साधे आए थे, हमको बिगाड़ा किसने? इसलिए मन की बात न माननी, ये तो हंसी मजाक में मैंने मन राजा कहा। मन को हम किसको सौंपना है? कृष्ण को यहाँ से सौंप दे। गोपियों ने अपने मन को कृष्ण को सौंप दिया था, और कृष्ण को सौंपने के बाद गोपियों ने बारंबार प्रणाम किया और अपने मन में सोचा ये उलाहना देने के लिए भी हम उसके दर्शन करने के लिए ही मैया के घर, और मैया भी जानती थी और लाला भी जानते थे। अब लाला थोड़े बड़े हुए, माखन खाए, माखन खाने के बाद एक दिन अब दामोदर लीला की ओर प्रस्थान कर, हमारा मन कैसा है एक और बात बता देती हूँ, मेरे को कभी कभी कोई बात याद आ जाती है। ये मन है ऐसा एक घड़ा हो, और घड़े में चने हो, और चने में बंदर अपना हाथ डालता है, चने लेता है, अब उसमें से हाथ निकालने लगता है तो हाथ बाहर नहीं आता, चने छोड़ दे तो आ जाए, चने भी छोड़ना नहीं चाहता और हाथ भी बाहर निकालना चाहता है। ये सब हमारे हाल की है, हम लोग अगर चना छोड़ दे तो बाहर आ जाए, लेकिन चना नहीं छोड़े तो बाहर नहीं आता, तो अटक जाता है। हम सबका मन क्या है? यही बंदर है। हम यहाँ मन के विषयों को भी पकड़ना चाहते हैं और हमारा ठाकुर जी का भी नाम लेना चाहते हैं, दोनों काम नहीं हो सकते। यहाँ से चने जैसे बंदर छोड़ा और बाहर निकल गया, वैसे विषय सुख को अंदर से अपन ने छोड़ा और हाथ बाहर निकाल लेंगे तो हम हमारे आकाश के ब्रह्म से ठाकुर जी से मिल जाएंगे, लेकिन हम बंदर बंदर के हमारा मन छोड़ता नहीं ना, हमारा मन राजा। अब हम दामोदर लीला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, आगे माखन चोर नाम लिखा। माखन चोर नाम लिखने के बाद दाम उदर लीला, बड़ी सुंदर लीला और बहुत ही इसका गहन अर्थ है। पहले तो दाम उदर का समझ लें, दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, जिसके पेट पर रस्सी बंधे वो दामोदर लीला।
तो यहाँ पेट पे रस्सी बंधी हुई, किसकी रस्सी बंधी हुई है? पेट पर रस्सी बराबर बंधी हुई है हम सब की, किसी के विषय की, किसी के माता पिता की, किसी के घर की, किसी की बाहर की, किसी के कामकाज की, किसी के व्यापार की, किसी के क्रोध की, किसी के सबकी रस्सी बंधी हुई है। लेकिन यहां पर ठाकुर जी इसलिए बंधे हैं कि मुझे एक ही रस्सी पसंद है, वो है प्रेम की डोरी। वो प्रेम की डोरी से बनते हैं और किसी डोरी से नहीं बनते हैं। तो हमारी पेट की रस्सी इधर विषय संसार की छोड़ेंगे तो ठाकुर जी की रस्सी से हम अपने आप को एक दिवस एकदा एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिना कर्मांतर नियुक्तासु निर्मल ग्रंथ स्वयं दधि। बहुत दिनों से बाहर बाहर का ये खा रहा माखन, एक दिन यशोदा मैया के मन में आई कि आज मैं ही मक्खन निकालूंगी, लाला सोया हुआ है, मैं ही मक्खन निकालूं और आज लाला को खिला दूंगी। तो दधि मंथन करते हुए माता जी की शोभा कैसी है, क्षोमम वस पृथुकटी तटे विभ्रति सूत्र नद्धम पुत्रस्ते हस्तुत कचयुगम जातकम पंच शुभ्रु रज्जा वाकर्ष श्रमभुज चलत कंकणो कुंडले च स्विन्नम वक्तम कवर विगल मालती निर्ममंत। सुंदर यशोदा जी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आप मन में सोचिए कि कैसी यशोदा, थोड़ी मेरी तरह स्थूल थी, कैसी थी, मोटी थी थोड़ी, दरी मंथन कर रही है, रेशमी घाघरा पहना है, सूत की डोरी से बांधा है, अंदर से प्रेम से वात्सल्य धारा निकल रही है, सारा शरीर डोल रहा है। ऐसे सोचिए अगर अपन मक्खन निकालेंगे तो शरीर डोलेगा ना, तो मक्खन निकाल रही है। रस्सी खींचने के कारण हाथ थक भी रहे हैं, मोटे मोटे हाथ हैं, हाथे में पहने हुए कंगन और काने के कुंडल भी डोलायमान हो रहे हैं, मुख पर पसीने की बूंदे चुक रही। देखो बचपन में मैंने है ना किया है, मथानी से किया है, सच्ची सारे शरीर की एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती, अगर हो तो कभी करके देखना, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर जाती है, फिर उसमें नहीं जाना पड़ेगा, किसमें, जिम में, जिम में नहीं जाना पड़ेगा, एक बार जो दिन भर में एक बार कर लिया पूरा। पुरानी स्त्रियों से पूछिए कैसे दोनों हाथ दोनों पांव पेट सब हिल जाते हैं, पर हम लोग उसके लिए नहीं करते हैं, उसके लिए हजारों हजारों के एक्सरसाइज करके उसको क्या बोलते हैं, वो पैदल चलते हैं उसको ट्रेडमिल, पैदल तो चला नहीं जाता और ट्रेडमिल चलाता है हमको, ट्रेडमिल किस लिए कि हमसे चला नहीं जा रहा, तू चला, इससे तो एक्सरसाइज होती है। लेकिन पहले के जमाने में दधि मंथन करती हुई, भगवत नाम लेती हुई, कितनी एक्सरसाइज भी करती थी और साथ में पूरा रोआ रोआ ठाकुर के नाम में निकल जाता था। हम रोज पाठ करते हैं करारविंदे में मुखारविंदे उसमें सुखा बसाने दुख इध में इत गारम, गोपियाँ रोज सवेरे उठकर दधि मंथन करते हुए गोविंद दामोदर माधवेती बोला करती थी। इसमें भक्ति का निरूपण है, ये यशोदा मैया का वर्णन नहीं है, ये सब तरफ उनके चिंतन में कन्हैया, हाथों में कन्हैया, पाँव में कन्हैया, सब करते हुए कि कन्हैया के लिए मुझे मक्खन निकालना है। जब आप पूरे मन से तन से धन से भगवान को याद करने लगते हैं तो कन्हैया भी वहां से उठ पड़ता है। काम काज समझे की तरह, काम काज करते समय यशोदा की तरह कृष्ण की ओर दृष्टि रहे। आज यशोदा दधि मंथन में तन्मय थी, वाणी में मन में उत्साह था कि मैं लाला के लिए मक्खन निकालूं। ये भक्ति की कथा है, तन मन वचन एक हो गए। रोज तो कृष्ण को जगाने के लिए अरे लाला उठ भोर भयो, हम करते ना मंगल में जगाने के लिए, उठ लाला उठ जागो मोहन प्यारे, आज बोलना नहीं पड़ा लाला वहाँ से उठ के आए, क्योंकि बिना बोले अंदर के जो उसके भाव थे वो लाला को जगा दिए। लाला ने कहा चलो, श्री कृष्ण मतलब हृदय का आनंद, हृदय का आनंद इतना भर गया कि मैं कृष्ण लाला के लिए माखन बनाऊँ, लाला ही लाला दिखने लगा। तो ज्यों ही आनंद की खोज करते हैं उसी समय लाला वहाँ आए और लाला कहते हैं मैया मुकुद स्तनपान करा दें, दूध पीनो है ताम स्तन्य काम आसाध्य मंथन हो जननी भरी। आकर के कहा माता का आंचल खींचा, कहे मैया मुकुद दूध पीनो है। जिस योगी जन ब्रह्म चिंतन करके
भोग लगाते हैं। गर्गाचारी जी ने खीर की भोग लगाई कि आके त्वदीय वस्तु गोविंद है तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर है। वो जो लोग भोग लगाने के लिए बुलाते हैं वहां पर आज छोटा सा कन्हैया यशोदा माँ के पास जाके कहता है मैया मुँह को भूख लगी है मुझे दूध पिला दे। क्या बात, योगी जन आंख मूंद कर जगत को भूलने का प्रयास करते हैं और यहाँ पे मैया यशोदा के पास ठाकुर जगत को भुला करके यशोदा के पास स्तनपान के लिए जाते हैं। वाणी से कीर्तन, आंखों से दर्शन, रोम रोम जिसका कृष्ण से लगा हुआ, उठनों चलते चलते उनके पास आया। भूखा कन्हैया रोने लगा। यशोदा ने सोचा लाला नेक थोड़ो सा माखन निकाल लें फिर दे दूंगी, थोड़ा नेक ठहर जा, नेक ठहर जा। ना मचल गया। मचलने के बाद क्यों, अब सोचो मचला क्यों, मचला ऐसे कि देखनो है कि तेरे को ये ज्यादा प्रिय है कि मैं ज्यादा प्रिय। एक एक रासलीला में मैंने देखी वो लाला को लेके आए तो कन्हैया मैया इधर देखे लाला देख उधर का लग रहे हो तो वो क्या करे अपने हाथ से इधर की ओर देख, बार बार लाला कहे मेरी ओर देख मेरी ओर देख, ऐसे बच्चे किया करते हैं मेरी ओर देख मेरी ओर देख। तो लाला चाहते थे कि मेरे को छोड़ के और यशोदा कुछ भी ना करे। फिर उन्होंने कैसे तो भी लिया, इतने में देखना था कि अभी भी मैया को मैं प्यारा हूं कि दूध और माखन प्यारे हैं। परीक्षा लेने की सोची। कठिनाइयां तो सबके जीवन में आती रहती है लेकिन उसको छोड़ के अगर लाला के प्रेम के लिए जो दौड़ेगी तो लाला उसको बिल्कुल भी दूसरी तरफ परीक्षा नहीं लेंगे। दूध चूल्हे पे रखा हुआ था वो दूध बाहर की ओर निकलने लगा, दूध उफनने लगा, लगा कि दूध बाहर निकल रहा है दूध खराब हो जाएगा। कन्हैया को मैया ने बाहर की ओर रख दिया और दूध करने के लिए दौड़ी और वहाँ दूध लेने के लिए दौड़ी। कन्हैया को जोर से गुस्सा आया कि मेरे को पिलाने पिलाने में छोड़ दी, वहीं थे घुटने के बल पकड़ पकड़ के चले गए और आगे जा कर के वहाँ जा कर के कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने वहाँ जा कर के सीधा वहाँ पे जितने मटके तदिया सास के काफी सास सब खोल डाले। कई लोग प्रश्न करते हैं कि ऐसी क्या बात थी कि यशोदा ने पिलाते पिलाते छोड़ दिया। बोले इसलिए कि सब जगह तो कृष्ण को बाहर यशोदा ने देखा लेकिन भीतर नहीं देख पाई। कृष्ण ने उस समय दिया था कि तू भीतर भी देख बाहर भी देख, जो दूध के रूप में वो भी मैं ही हूं, जो दूध के रूप में वो दूध क्या गया, तू मुझे छोड़ के दूध को विषय वासना और काम को देख रही है। इसका मतलब जा करके कन्हैया ने मटके फोड़े। लेकिन एक महात्मा ने कहा यशोदा जी को वैसे तो कन्हैया प्यारा था लेकिन वो जो दूध था ना वो गंगी गाय का था, तो बोले कि मैं कन्हैया की गाय का दूध का माखन निकालूंगी तो उसको अच्छा लगेगा। लेकिन वो दूध दूध ही था इसलिए कन्हैया को अच्छा नहीं लगा और जाके कहे मैया तेने अच्छो ना कियो, मोकू छोड़ के वह दूध की तरफ भागी। देखो बच्चे को जैसे लाल को दुख होता है, अपने सबके घर में छोटे छोटे लाला हो है ना, लाला हो कि वो क्या करें, लाला हो कि कहने लगे कि मेरी तरफ देख। मैं घर में भी देखती हूँ बच्चों को जो स्कूल से आते हैं, आपको पता है बच्चे कहते हैं ना अपनी मम्मा से कि मम्मा यहाँ बैठो मम्मा यहाँ बैठो, वैसे ही लाला की पूरी छोटे बच्चे की एक्टिंग किसने की, लाला एक्टिंग करी, लाला ने बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह की। एक और महात्मा कहते हैं दूध ने परमात्मा को यशोदा की गोद में देखा तो दूध बोला मेरा दुख ताप कम नहीं हुआ, इसलिए वो वहां से उछला और उछल करके नीचे आकर के देखने के लिए गया कि मेरे को भगवान कृष्ण के दर्शन ही हो जाए। ऐसे महात्माओं की अलग अलग चीज है। श्री कृष्ण ने विषया शक्ति रूपी जितने घड़े यशोदा को ददिया सास के, हमारे भी पुरानी चीजें होती है लाला तोड़ देता है तो गुस्सा आता है, वहीं से लाला को छोड़कर यशोदा ने सांसारिक काम करके गया, लाला ने जितने घड़े थे सबके सब तोड़ डाले। हरि को भजते हरि कोई और काम करे वो नहीं जाना रे,
जिसकी सुरता शामलिया साथे वदे वदे वाणी रे। जब तक संसार शक्ति नहीं जाएगी तब तक भगवत भक्ति सिद्ध होने वाली नहीं है। मैं साथ साथ इसलिए संतों की जो आशय मिले हैं खाली खाली आपको दामोदर लीला रासलीला की तरह सुना भी सकती हूँ और वो भी ब्रजभाषा में, लेकिन मेरा मन हुआ कि इनके जो आशय हैं वो भी, कई लोगों ने कहा था कि आप आशय सुनाया करिए, तो मैं आशय सुना रही हूँ। जब तक संसार शक्ति नहीं जाती तब तक भगवत भक्ति सिद्ध नहीं होती। सोचो ना, आज तक हमने कितने बोरी अनाज खाए, आज तक मनो ही खा लिए, मनो ही खा लिए, गिने ना है कौन गिने कितने बोरी अनाज खाए बचपन से, नहीं गिने इतने बोरी अनाज खाए और हमारा उदर ने सब कुछ स्वाहा कर दिया और हमें पतो ही ना लगे और फिर सवेरे उठे फिर भूख लगे। ये क्या है, इसमें तृप्त नहीं हुए। ये बताने के लिए है कि मनुष्य जब तक अपने शरीर के विषयाशक्ति से कभी तृप्त नहीं होता है, इसलिए और ईश्वर को हमने ताक पर रख दिया और हमारे उदर पूर्ति के लिए हम रात और दिन, किसी को बोलो ना कि भैया ऐसे क्यों करें, अरे पापी पेट का सवाल है भाई, पापी पेट का सवाल है, अरे पापी काय को और पेट काय को, पेट सबका ही लगा हुआ है लेकिन पेट को आप इतना सा देते हैं बाकी बैंक बैलेंस के लिए जोड़ते हैं। कोई पेट में इतना खाता नहीं पैसा लेकिन कहते पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए कमाना पड़ता है, अरे पेट के लिए तो भिखारी भी खा के खा लेता है, पेट के लिए नहीं कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं, बैंक बैलेंस और नाम और प्रतिष्ठा। आज यशोदा ने देखा कि मटकी फूटी हुई है, बिखरा हुआ है, कन्हैया वहां से गायब, मक्खन ले लेकर के बाहर किनारे बैठ गया और वहां से सभी सबको देने लग गया और दे दे करके बंदरों से आओ रे आओ ले लो बेटे ले लो। ये वानर कौन है, ये मन है, सारे के सारे वानर उसी लीला में नहीं ले सके इसलिए यहां आए। यशोदा ने लाला को चोरी करते हुए आज पकड़ लिया। बोले सगरी की सगरी, सखियां झूठ नहीं बोल रही थी तो अपने घर में चोरी करा, गोपियों की बात सच्ची थी। और यशोदा जी को बहुत फील हुआ, वो जिस ओखली पे खड़ा था लाला को पकड़कर आज बांधना होगा। मैया को लगा आज मैया का पूर्ण काम वात्सल्य रस से पूर्ण होकर के मैया ने उसी तरह रही जैसे ओखली पर खड़ा, आज मैं इसे बांधूंगी। अधर्म वहीं से उत्पन्न होता है, लाला के पीठ में अधर्म है, लाला आगे आगे दौड़ रहा है और यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही। यशोदा थक गई, मोटा शरीर, लाला की जितना तेज थोड़ी दौड़ सके, कहा अपनी एक भूल के कारण यशोदा कन्हैया को पकड़ नहीं पाई। एक महात्मा ने कहा लाला के पीठ में अधर्म है तो अधर्म देखते हुए लाला को कैसे पकड़ेगी, इसलिए आगे पड़े अधर्म को दृष्टि दौड़ने वाला ईश्वर को ना पकड़ सके। यशोदा लाला को नहीं पकड़ पा रही, उसने अधर्म के पीछे दौड़ रही, लकड़ी लेकर के दौड़ी, ठहर लाला मैं तो को मारूंगी, लकड़ी लेकर के। तो लकड़ी अभिमान का प्रतीक है, मैया के मन में वह समय आई कि आज इसको पकड़ के मैं पीटूंगी और बांधूंगी। दोनों काम लाला ने नहीं कराए, दौड़ते दौड़ते यशोदा थक गई। थकने के बाद कह, अरे लाला नेक में पे बन जा, देख मेरो शरीर हाँफनी हो गई मोकू, वह बंध जा भाई, क्योंकि ऐसा अभिमान तो कि मैं बांधूंगी नहीं तो लोग कहेंगे मैया ने वहां बांधो ही ना है, अपना छोड़ के वापिस मेरे पास आ जा। मैया ने जब बैठ के कहा अरे मेरे से भाग्य नहीं जाए तू ही आके बंध जा, तो यश तब त्वक्ताम यष्टिम लाला पकड़ा गया। ये जो जितनी डोरियां थी वो सब डोरी मंगाई, कन्हैया रोने लगा, हाँ मुझे खबर है तू झूठ मूठ रो रहा है, बाल मंडली को इतना दुख हुआ है। लाला ने कही अरे लाला ने कही मैया मैंने कछु ना करो, तुमो को क्यों बांध रही है। तो बांधने की कोशिश करी, वहीं से देखे एक रस्सी, दो रस्सी, तीन रस्सी, तदपि द्वयी उंगलम न्यूनम यद यदा तत्त बंधनम, दो अंगुल, जितनी रस्सियां ली दो अंगुल। ये दो अंगुल क्या है सबको पता होगा, इतनी कहानियां सुनी नहीं मालूम कैसे इतनी लंबी लंबी गर्दन कैसे हिला रही, कितनी बार दामोदर लीला सुनी होगी जीवन में, कम से कम 50 बार 20 बार तो सुनी होगी। दो अंगुल क्यों छोटी पड़ रही थी, हाँ क्या
अहमता ममता, ये अहम और मम दो अंगुल सबके पास है, ये दो अंगुल की ही दूरी है, कृष्ण में और हमारे में दो अंगुल की ही दूरी है, अहंकार और ममता। हमारी मोह ममता और अहंकार नहीं जाता है तब तक कृष्ण कितनी भी डोरियां बांधते चले जाओ कृष्ण बंधेगा नहीं। ये कृष्ण बंधने के लिए डोरी ने बांधने का स्वभाव छोड़ दिया। जब बहुत मैया को ऐसा लगने लगा थक गई, तो लाला को लगा मेरी मैया को थकाना नहीं चाहिए, उसने दया आई, डोरी में ऐश्वर्य शक्ति ने प्रवेश किया और एक साधारण यशोदा ग्वालिन प्रभु को बांध रही है। गोपियां यशोदा कहने लगे तो इस लाला के बांगे का बंधन नहीं लिख रही है, प्रभु ने ऐश्वर्य शक्ति से कहा कि तू बंध जा, और डोरी से विदाई ली। घर में जितनी भी डोरियां समाप्त हो गई, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णं कृपया सीत स्वबंधने, आपको लगा कि लाला को यशोदा ने बांधा, नहीं, खुद लाला ने मैया के वात्सल्य रस को पीने के लिए स्वयं बंधे। हमको लगा लाला को कन्हैया मैया ने बांधा, किसने बांधा? लाला स्वयं बंधे हैं। लौकिक डोरी भगवान को नहीं बांध सकती, भगवान को कौन सी डोरी बांध सकती है? भगवान को केवल 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 प्रेम की डोरी बांध सकती है। ओ जीनी जीनी प्रेम की डोरी मो पे तोड़ी न छोड़ी जा, जीनी जीनी प्रेम की डोरी मो पे तोड़ी न छोड़ी जा, ओ जीनी जीनी प्रेम की डोरी मो पे तोड़ी न छोड़ी जा, तोड़ी न छोड़ी जाए मो पे, तोड़ी न छोड़ी जाए, ओ तोड़ी न छोड़ी जाए मो पे, तोड़ी न छोड़ी जाए, जीने जीने प्रेम की डोरी मो पे तोड़ी न छोड़ी साकर होए तो तोड़ दिखाऊं, साकर होए तो तोड़ दिखाऊं, वस्त्र होए तो पीस उड़ाऊं, वस्त्र होए तो पीस उड़ाऊं, पर्वत होए तो धार दिखाऊं, पर्वत हो धार दिखाऊं, धनुष होए तो छिन में तोड़ू, प्रीति न तोड़ी जाए, जीनी जीनी प्रेम की डोरी नहीं तोड़ी न तोड़ी जाए, जीनी जीनी प्रेम की डोरी होपे तोड़ी न छोड़ी, अग्नि अग्नि हो तो मैं पी जाऊं, सागर हो तो बांध दिखाऊं, सागर हो तो बांध दिखाऊं, खंब हो तो खंब को चीर दिखाऊं, खंब हो तो चीर सकूं, खंब हो तो चीर दिखाऊं, तीन लोग एक पाँव में नापूं, तीन लोग एक पाँव में नापूं, तीन न नापी जाए, जीनी जीनी प्रेम प्रेम को न मैं माप सकता हूँ, न मैं प्रीत की डोरी को तोड़ सकता हूँ, छोड़ी जाए, जीनी जीनी प्रेम की डोरी छोड़ी न छोड़ी जा, सब अनाथ को नाथ कहाऊं, सब अनाथ को नाथ कहाऊं, सो माया को
पार न पायो सो माया को पार न पायो सभी हार मोहे शीश चढ़ायो सभी हार मोहे शीश चढ़ायो सो मैं चाकर बनो भगत को प्रेमानंद बन जाए जीने जीने प्रेम की डोरी मो पे थोड़ी न छोड़ी जाए जीने जीने प्रेम की डोरी मो पे थोड़ी न छोड़ी त्वा परिश्रमम कृष्णम कृपया सीत स्वबंधने भगवान लौकिक डोरी से नहीं प्रेम की डोरी से बनते हैं और जब उनकी रस्सी से पेट से लेकर उखल तक बांध दिया और वहाँ के पेट में बांधने का नाम उनका नाम तब से पेट पे रस्सी बांध के उखल से बांधा तब से उनका नाम क्या पड़ गया दामोदर बोलो दामोदर भगवान की जय पूर्ण प्रेम के बिना परमात्मा बंध नहीं पाते मनुष्य का प्रेम कई हिस्सों में बटा हुआ है पत्नी संतान धन संपत्ति बनाव श्रृंगार सब में बंधा हुआ और थोड़ा 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 जैसे कहा करते थे महाराज जी कि मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे हम लोग क्या कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल और भी है मेरे रे दूसरों न कोई रे की जगह हम लोग और भी है मेरे रे चलते हैं भगवान कृष्ण को जो कहे कि पहली लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरे तो गिरधर गोपाल लेकिन दूसरी लाइन इम्पोर्टेंट कि दूसरा कोई नहीं है अभी हम लोग ये नहीं कह सके दूसरा कोई नहीं है इसलिए भगवान हमसे बंधते नहीं है जब अपना सारा प्रेम भगवान को देंगे तो भगवान हमारे पास जीव अपना ममता हमता छोड़ नहीं सकता इसलिए नहीं छोड़ते बीच में एक बात याद आ गई सूरदास जी हमेशा भगवान का भजन करते और भजन करते हुए रोज अपना ये बजाते वीणा श्री कृष्ण उनको नेत्रों से सामने श्री कृष्ण भगवान उनके भजन सुनते हुए दिखाई पड़ते थे दिखाई पड़ते एक दिन उनको जब चलने के लिए हुए तो गिरने वाले थे तो भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया हाथ पकड़ के उनको आगे लेने के लिए जाने लगे तो वहाँ तक पार करके और फिर छोड़ के जाने लगे उनको लगा नेत्र से नहीं दिखता है तो मेरे को दर्शन थोड़ी करेंगे लेकिन भक्त भगवान को पहचान लेता है और भक्त भगवान को पहचान के कहते हैं हाथ छुड़ाई जात हो निबल जान के मोय जब हृदय से जाओगे सबल कहोगे तो यह है भक्त की बात कि बाहर से चले जाओगे तो क्या होगा मेरे हृदय से जाओगे तब सबल कहेंगे लाला को बांध करके और वो आगे को चली तो इधर भगवान कृष्ण गोडालियां चलते हुए उखल को आगे लाए और वहां पर दो यमलार्जुन वृक्षों के बीच के आगे से बढ़े मूसल दो वृक्षों के बीच में टेढ़ा हो गया और डोर को इतने जोर से खींचा कि मूसल ने उन दोनों वृक्षों को दामोदर भगवान यमलार्जुन वृक्ष गिरते ही दो तेजस्वी पुरुष के रूप में प्रकट हुए नल कुबेर और मणिग्रह थे जो राजा कुबेर के पुत्र थे क्रोधवश नहीं कृपा पूर्वक नारद जी ने श्राप दिया था विलासी को तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए वहां का मर्यादा का पालन नहीं करते वो सोचते गंगा जी में नहाना ऐसा ही है जैसे कि हम स्विमिंग पूल में नहाते हैं वो गंगा जी में नहा के ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमको गंगा जी हे गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे नहीं करते हैं आजकल के विलासी जी ऐसे सोचते हैं कि दो चार करते अभी भी बहुत है ऋषिकेश में मैं एक दिन गई तो एक दो लड़के मेरे को मिले वो वहाँ क्या शुरू हो गया आजकल ड्राफ्टिंग नहीं क्या क्राफ्टिंग क्या हाँ क्राफ्टिंग तो वो उसमें करते हुए कुदकड़ी मार के कर रहे थे अरे मैंने कहा गंगा जी में तुम कुदकड़ी मारे तो एक बार गंगा जी से हर गंगे करके स्नान कर लो
के निकल गए। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। गंगा तीर्थवेशु दृष्टेर एवा वृत्तेश्व तिरोहितादिवेशु कृष्ण एव गतिर्मम। आगे अब यमलार्जुन उद्धार होकर गया, भगवान ने उनको वापस गति दे दी और यमलार्जुन उद्धार हुआ। आशा मये चरण रेजु सुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमल तो औषधीनाम यादुस्तजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजेर मुकुंद पदवीं श्रुतिमिर विभाग्यम। नारद जी ने जो गोकुल में उनको वृक्षावतार दिया वो उस पर कृपा की थी। आगे बढ़े दामोदर लीला के बाद एक बहुत ही नंद बाबा को पता लगा, आके कहा तूने इसको बांध दिया। सारी गोपियां आई, बोले लाल मैया तो कुछ समझ नहीं आई, तूने बांध दिया। यशोदा बेटे को पास बुलाने लगे। बाबा ने पूछी लाला आज से तू मेरे पास सोएगा कि मैया पास सोएगा? ना बाबा मैं तो आप ही के पास सोऊंगा, मैया ने तो मुझको बांध दिया है। या मारे मैं तो आप ही के पास है। अब मैया कहने लगी क्या करूं, बुरी आदत छुड़ाने के लिए मैंने यहाँ को बांध दियो, मेरो मन नहीं लेकिन सगरे जने कह रहे इनके चोरी की आदत पड़ गई तो मैंने बांध दियो। लाला मुझको तो प्यार नहीं करेगा? बोले मैया मैं सगरों भूल जाऊंगा पर तेरा प्यार नहीं भूलूंगा। इसका तात्पर्य है ये लीला इसलिए मुख्य है कि इसमें ईश्वर को बांधने की लीला है। जो अचिंत्य शक्ति को बांध सकता है वो और किधर भी नहीं बांध सकता। ज्ञानी ब्रह्म जिनका चिंतन करता है वो सहज एक गृहस्थ की औरत से बंध जाता है। श्री कृष्ण दोनों उसके हाथ पार कर गए, फिर थक गया था। लाला को पूछे तेरे इतना दर्द हो रहा है? हाँ मेरे तो इतना दर्द हो रहा है, वो को इतने जोर से बांधी मैया गोपियाँ को सुख देने के लिए कह रहे। लाला फिर माखन खा ले, तेरे को जब दर्द हो रहा है तो तू माखन खा ले। कन्हैया बोले मैं तो कछु नहीं खाऊंगा, मोह को देगी तो मैं सगरों को बांट के खाऊंगा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पछिहार तहु पुनि पार न पावे ताही अहीर की छोहरिया छछिया पर छाचते नाच बोल नंद के। इतना इस अचिंत्य शक्ति को बांध करके यशोदा ने रखा, दाम से बांधा, उधर बांध दिया और सगरी यमलार्जुन का उद्धार किया। लेकिन वो अहीर की छछिया लाला माखन खाएगा ताही अहीर की छोहरिया छछिया पर छाचते नाच नचावे। लाला को लेके जा रहे कहें अरे लाला मुख मेरे काम कराए दे। हाँ मैं बहुत काम कराऊं। लिखा देख मैं यहाँ आते माखन उठाए उठाए के रख रही हूँ तो एक काम कर मेरे को गिनती नहीं आ रही। बोले कहा वहाँ आते उठाए उठाए के मेरे को दे दे। बोले कितनी देर कराएगी? बोले लाला एक बार तू लाएगा ना तो एक गोबर की अंगुली थे उनके गाल पे लगा दी देख पता पड़ जाए। बोले कितनी बार लगी तू माखन देगी? हाँ माखन दूंगी लाला इतना काम करा दे फिर तो को माखन दूंगी। बोलिए क्या बात है, कितनो सुख कितनो रस। मैं तो सोचूंगी इतना रस अगर एक बार लाला अपने को मिल जाए क्या बात है। सभी इंद्रियों को ऐसी आदत हो गई थी कि दर्शन करे तो लाला के, कान से सुने तो लाला की आवाज, हाथ से देखे तो लाला को पकड़े, कुछ और कराएं तो लाला से करें। उनकी एक एक इंद्रिय उस लाला के लिए पकड़ी जा रही है। क्या बात, एक सुखिया मालिन की कथा होगी कि नहीं पता नहीं मेरे को इसमें है कि नहीं पर मुझे वो बहुत पसंद है। सुखिया मालिन हती आके मन में बहुत दिल था कि मेरे को माँ के फल बेचती थी। पहले के जमाने में रुपये नहीं लेते थे, बार्टर सिस्टम होता था कि तू मुझे अन्न दे दे मैं तुम्हें फल फूल दे देती। कुछ फूल लेके चलती कुछ फल लेके चलती। रोज नंदालय के पास से निकल जाती और मर में आया एक दिना मेरे को लाला के दर्शन मिल जाए और लाला मुझको माँ कहे। कहा कहे? माँ कहे। इच्छा तीव्र होती रही, एक बार में तो लाला कभी दर्शन देते ना। रोज वहाँ से जाती निकस जाती, अपना थोड़ा बहुत बेच के घर में जाकर खाती। कन्हैया निकलता ही नहीं था,
वो किसी ब्राह्मण के पास गई और ब्राह्मण से कहा, आप बताओ मेरे को लाला के दर्शन कब होंगे। और देख लंबी लंबी दाढ़ी वाले साधु जाए ना तो वहाँ डर जाए तो लाला बाहर आवे नहीं, तो कोई के सामने बाहर मत जाइयो, वो सगरी बात जाने। तो माली ने कहा मेरे को बताओ मैं कैसे सेवा करूँ मेरे को लाला के दर्शन रह जाए। भूदेव ने कहा देख ऐसो कर रोज 21,000 नाम लियो करें। हाँ 21,000 नाम लेवे में लगाए दूंगी तो मैं मेरे फल फूल कब बेचूंगी। अच्छा ठीक है, तो बोले रात्रि को जग जाया कर, तेरे को लाला के दर्शन करने हैं ना तो रात्रि को जग जाया कर। रोती रोती गई अपनी माला फेरती रही, श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम, पर एक एक मंत्र पे इतना बार बार रोना आने लग गया, क्योंकि जिस चीज को प्यास अधिक लगती है ना तो पानी मीठा लगता है। इतनी प्यास जागृत आतुरता उतावला उतनी आतुरता पैदा करती उस मालिन के मन में, भांति भांति के साधन बताए। बोले मैंने माला फेरी ब्राह्मण देवता, आज भी लाला नहीं आयो। मैं वहाँ पे कहती रही कोई माल ले लो, कोई फूल ले लो, कोई फल ले लो, तो कोई बाहर नहीं आयो। अच्छा तो ऐसे कर जाके मारी नहीं, तू 108 प्रदक्षिणा कर ले नंदालय की। अच्छा तो प्रदक्षिणा करते रहे, तो जो प्रदक्षिणा करे तो नजर वहीं रहे, जहाँ ते जाए वहाँ ते नजर रहे कि कहीं ते लाला आए तो नहीं रहो। ऐसे करते करते प्रदक्षिणा करी, प्रदक्षिणा करके भी दर्शन नहीं रहे, तो बोले साष्टांग प्रणाम कर ले। साष्टांग प्रणाम किए, इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर, 3 वर्ष लगे, 3 वर्ष, 3 वर्षों तक नित्य निरंतर वो जाती की लाला के दर्शन करें। हम लोग क्या दैनिक सेवा करते हैं, 108 तुलसी चढ़ाना, पुरुष सूक्त के साथ पाठ करके स्नान कराना, चंदन लगाना, तिलक लगाना, आरती करना, भोग लगाना, अपना दैनिक कार्यक्रम पूरा किया, फिर उसके बाद तो दिया वस्तु गोविंद प्रसिद्ध परमेश्वर। दैनिक कार्य कर दी, पूजा हो गई, पर प्यार नहीं। पूजा और प्रेम में बहुत अंतर है। एक बार वल्लभाधीश कहीं जा रहे थे, सेवा देख रही हो तो वल्लभ सेवा वल्लभ कुल में देखी। एक बार वल्लभाधीश कहीं पधार रहे थे, गुसाई जी वगैरह सब थे, तो वहां पे जाते जाते एक दिन एक बुढ़िया थी, उसके यहाँ कभी नहीं आए। तो बुढ़िया ने क्या किया, जल्दी जल्दी बोले महाप्रभु पधार रहे, महाप्रभु पधार रहे। उसने क्या किया, उसके पास उस समय जो भोग रखा था कुछ था, चम्मच रखना भूल गई, तो वहां पे नीम का दतून था, उसने छोटा टुकड़ा करके उसको रख दिया चम्मच के रूप में कि ठाकुर जी इससे पालेंगे। जो ही आगे रखा तो ये चम्मच रखना भूल गई। वल्लभाधीश वहां पे महाप्रभु पधारे, तो दर्शन करते ही वो तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सीधा जा करके वो नीम का जो ततून था वही उठाया, वही उठाया और कह क्या भाव है, और खो गए। बोले श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम, श्री राधे शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, श्री राधे शरणम मम। सब लोग जितने भी क्या होता है जब गुरु चलता है ना तो सब जितने शिष्य चलते हैं ना वो शिष्य वैसा ही करने लगते हैं। अब उन्होंने जो ही उधर रखा कि कितनी सुंदर इन्होंने जो चम्मच की जगह जो नीम का दतून रखा था, तो जितने उनके शिष्यगण चल रहे थे वो जाकर के घर पे जाकर के अपने कल से सेवा में दतून रखने लग गए। अरे बोले वो तो उसने तो भाव से चम्मच के जगह दतून रखा था, बोले पर हमारे गुरुदेव ने उसी को हाथ में उठाया तो रोज सबके सेवा में दतून। नियमानुसार सेवा नहीं होती, भक्त के भाव के अनुसार सेवा होती है, ये हमें पता ही नहीं है। कहीं गए, अरे आपने किस कहीं देखते हैं, हम भी जाते हैं कभी राधा वल्लभ लाल के और हम कभी भाके बिहार के, क्या रखा हुआ है हम भी घर में ला के रख देते हैं। अरे मतलब पूछो ना किस लिए रखा है,
वो कहे 1 लाख को बंगलो बनाए तो दूजो कहे मैं 1.5 लाख को बनाऊंगा, वो कहे 1.5 लाख को बंगलो बनाए हम 2 लाख को बंगलो बनाऊंगा। अरे 2 लाख 1.5 लाख से लाला राजी ना हो, लाला राजी हो हमारे प्रेम और भाव से। वाल इनके रोज मनाती रहती मुझे ठाकुर जी के कब दर्शन हो। अपने सिर पर फल और फूल की टोकरी लेकर के मालिन प्रदक्षिणा करने। अब लाला ने कही बहुत थका दिया इसको। वह दिना लाला को शबरी के बेर याद आ गए। लाला के पग में पैंजनिया और गले में कंठी छम छम करते हुए मस्तक पे मोर पंख भूषित छुमक छुमक करता आंगन में आया। दर्शातुर मालिन उसी समय हाथ फैलाकर उनके सामने कहा, मैया मुझको फल दे दे। लाला मुंह तो मस्त होकर के उनके भाग बाल कन्हैया से बात करना भूल गई कि मैंने इतने दिनों की मनौती मांगी थी, आज मेरे सामने लाला खड़े हैं, सब कुछ अपना भूल गई। जैसे विदुरानी भूल गई थी कि लाला मेरे सामने आए हैं, ऐसे वो भी भूल गई। और वो देखे लाला देखे कि मेरी ओर देखे तो सही, पर उसके तो नेत्रों से अश्रु की झड़ी लग रही है।